हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे टाई की कटिंग। ये हमारे पास कपड़ा है, इस कपड़े को हम क्या करेंगे तिरछा करके कटिंग करते हैं, क्योंकि उरे बुती टाई। इस प्रकार से हम क्या करें तिरछा कर लेंगे। टाई का मेजरमेंट होता है, लंबाई इसकी होती है 1.5 मीटर की। तो हम चौड़ाई कटिंग करते हैं, डबल करके करना है तो हम करेंगे 3.25 या सिंगल करके करोगे आप 5.5 पर तो 3.5 है। ये भी 3.5 का निशान लगा लेते हैं, एक निशान हम बीच में भी लगा लेते हैं। इस प्रकार से सभी निशानों को सीधा कर लेते हैं और हम कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से कटिंग कर लेना। ये हमारी लंबाई बनती है 38.5, तो इसकी 1.5 मीटर लंबाई चाहिए तो कम पड़ जाते हैं, तो दूसरा कपड़ा हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इस प्रकार से दूसरे कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। 3.5 3.3 के हिसाब से कटिंग ये मार्क लगा लेते हैं और 3.5 3.3 पर ये मार्क लगा लेते हैं, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अभी हम तिरछा करके इसका ज्वाइंट कर देते ताकि इसका फिनिशिंग अच्छी आ सके। इस प्रकार से रख लेना और उसको इस प्रकार से दोनों को ऊपर नीचे करके रख लेना है। तो अब इसको सीधा कटिंग कर लें ताकि इसमें मिस्टेक ना हो, और इसको हम तीसरा इस प्रकार से ऊपर नीचे रख के इसमें सिलाई लगा देते हैं। ये हमने क्या किया, सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस कपड़े को पूरे को करके सिलाई कर देते हैं। इसको सिलाई लगाएंगे उस पर सिलाई कर देंगे। इस प्रकार से चीर लेना है कपड़े को ताकि उसको फिनिशिंग अच्छे। इस प्रकार से सिलाई कर लेना। अभी हम सबसे पहले कपड़े को 62 इंच मतलब 62 इंच इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। 62 इंच रखेंगे, बाकी कपड़े को हटा देते हैं। और हमने इसको तिरछा इसको कपड़ा हटा दिया इस प्रकार से, और इसको हल्की प्रेस डबल करके हल्की प्रेस लगा लेनी, ज़्यादा प्रेस नहीं लगानी ताकि फिर इसमें मार्क रह जाता है। और यहाँ से 2.25 इंच नीचे से कर लेना है और हाफ में जाके 1.25 इंच रख लेना। इसमें हल्की प्रेस लगा लेना। इस प्रकार से हल्की हल्की प्रेस लगाएं, ज़्यादा प्रेस नहीं लगाएं ताकि इसका निशान बाद में रह जाता है। यहाँ से 1.25 इंच एक पुल्ली पे निशान लगा लेना है और इसको तिरछा 30 इंच तक तो सीधा रख लेना है। या इस प्रकार से इधर से निशान लगाते हैं। इसको हम क्या करें थोड़ा तिरछा कर लेते हैं ताकि इसकी शेप अच्छी आए। इस प्रकार से और थोड़ा शेप करते करते इसमें मिला देते हैं। इस प्रकार से अभी 1 इंच एक पैर का छोड़ के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देते हैं। एक पैर का छोड़ देना ताकि सिलाई लगाने में हमको आसानी रहे। इस प्रकार से एक पैर का, इस प्रकार से यह हमारा कटिंग हो गया। अभी एक कुटका लगाते थे सेंटर का जो सिलाई की वो प्रेस किया था, और इसको हम तिरछा करके कटिंग कर लेते हैं। ये मार्का लगा देते हैं इस प्रकार से और इसको तिरछा कटिंग कर देते हैं। इस प्रकार से कटिंग कर दें और दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से कटिंग कर लेना तिरछा करके। ये निशान लगाना, हम इसे निशान लगाएं और इसको कटिंग कर लें। अभी हम सिलाई करके दिखाते हैं उसकी किस प्रकार की सिलाई होती है। सबसे पहले इसको एक बीच में दोनों फोल्ड करके डबल करके इसमें एक बीच में कट लगा लेना ताकि सिलाई करने में आसानी रहे। अभी इसको इस प्रकार से कट को पकड़ें, इसको इसको इस प्रकार से एक सिलाई लगा देते हैं। थोड़ा पक्का कर लेना इसको टाके को ताकि खुले ना। ये इस प्रकार से बन जाएगा, देखें सीधा। दूसरी प्रकार भी इसी प्रकार से, दूसरी साइड भी इसी प्रकार लगा लें। बीच में से सेंटर कर लेते इसका,
और एक कट लगा लेते हैं। उस कट को पकड़ते हैं और इधर से यहाँ से इस प्रकार से सिलाई लगा देते हैं। सिलाई मजबूत लगानी ताकि टूटे ये खुले ना, टाकी बांध देनी उसको। अब इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी ये, वहीं से हम क्या करेंगे, सिलाई स्टार्ट कर देंगे नीचे से। इस प्रकार से जो नीचे वाला सिलाई आई है वहीं से सिलाई करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे। इसे टाकी बांध देंगे सबसे पहले और जो हमने निशान लगाया था उस पर सिलाई कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ से सिलाई कर देना और यहाँ से पक्का कर देना। इस प्रकार ये हमारी सिलाई लगी। अभी हम इसको करेंगे इस प्रकार से, टाकी को पकड़ेंगे और पलटी कर लेंगे इसको। देखो धागा कटिंग कर दे थोड़ा, ये भी हमारी सिलाई। अभी हम इसको जो हमने खुला छोड़ा था जहाँ से, इसे पकड़ इसको पलटी कर देते। ये हमारे पलटी हुए। अभी इसका इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। जो एक सिलाई लगा इसको पकड़ना है और इसको इस प्रकार से इसके अंदर में डाल देना है। ये इसके अंदर से ये अपने आप सिलाई वाला टाका रहता है, इस प्रकार से आ जाता है। इसी प्रकार से इसको ये हमारे इस प्रकार से तैयार हो गया। ये नोक निकाल देनी है इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना, हल्का प्रेस कर लेना, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। इस प्रकार से प्रेस से जमा देना इसको। इसी प्रकार दूसरी साइड में जो हमने लगा सिलाई लगा, इसको भी अंदर की साइड में लगा देते हैं। इसको अंदर की साइड में करेंगे तब इस प्रकार से उंगली से खींच देना। जो सिलाई लगाई वो एकदम फेस में आनी चाहिए, तब अपने आप ही बैठ जाता है। इस प्रकार से प्रेस कर देते हैं। हल्की प्रेस मारने से क्या है, इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अभी जो इसमें आगे आगे वाले में आता है, इसमें पेपर पेस्टिंग का पेस्ट कर देते हैं। इसको टाई को ऊपर रखेंगे और हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर 10 इंच 15 इंच जितनी भी पेस्टिंग काटने, पेपर पेस्टिंग का यूज करना, पेस्टिंग का यूज नहीं करना, ज़्यादा टाइट हो जाती है। इस प्रकार से इसको रखना और ऊपर रखने से निशान लगा के इसको कट कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें आप हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको समझा सकें। इस प्रकार से हम क्या करें, इसको उल्टा करके इसके अंदर डाल देते हैं। आराम आराम से डालना ताकि पेपर पेस्टिंग का फटने का भय लगता है। इस प्रकार से डाल देना और नोक जो बची है, इस नोक को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर पकड़ेंगे और उसके नीचे लगा देंगे। जैसे रेडीमेड में गत्ता आता है, हम इसमें पेपर पेस्टिंग यूज़ कर लेते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं। दोस्तों ये हमारी टाई बन के तैयार हो गई है। देखो बहुत अच्छी टाई बनी है, ये भी एक रेडीमेड की तरह है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि रेडीमेड में अलग हो, ये इसमें अलग हो, ये इस प्रकार से बांध सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन